मैं ये कह रहा था कि अब तक जो स्टैंड वापस लेने का रिकॉर्ड रहा है वो नीतीश कुमार का रहा है। बीजेपी का कोई स्टैंड वापस लेने का यहाँ पर अब तक याद नहीं किस मुद्दे पर वो वापस हुई है। देखिए बीजेपी असल में ये एक जो श्रवण गर्ग ने बात कही मैं सहमत हूँ उससे, बीजेपी इसको भी अपना पॉइंट ऑफ कंटेंशन जानबूझ के बना रही है ताकि अगर नीतीश कुमार अलग होना चाहते हैं तो अलग होकर देखें और बीजेपी फिर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। और याद रखिएगा अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो फागू चौहान जो राज्यपाल हैं वो तश्तरी में रख के तो दे नहीं देंगे इनको कि आइए फिर से आप बन जाइए मुख्यमंत्री। वो कहेंगे साहब जो हमारा लार्जेस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम पहले उसको देंगे दावत, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी के पास फिर मौका होगा तोड़ने मरोड़ने का, लोगों को तोड़ने और मरोड़ने दोनों का। तो ये समझिए ये इतना आसान नहीं है कि बीजेपी जो है अपने स्टैंड से वापस नीतीश कुमार जरूर हुए हैं ये मैंने देखा। वो 370 का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, और भी मुद्दे हैं जिस पर वो वापस हो चुके हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार जाती जनगणना पर कोई बात कह के निकल जाए, जैसे कि वो इस पर निकल चुके हैं अब तक कह के विशेष राज्य का दर्जा आप कहाँ हो उसको तो नहीं मांग करते वो, तो क्या हो सकता है ये तो बताना मुश्किल है अभी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को स्टैंड वापस लेने के चांसेस मुझे कम लगते हैं।